सो गाइस, जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल चुका है, वी गॉट स्कैम्ड इन स्वीडन। सो हम आज उस स्कैम की बात करेंगे कि वो क्यों हुआ। सो हम बात करेंगे ग्रीड की, माने लालच। लालच जो कि इंसान में शुरू से ही पनपता आ रहा है, चाहे वो आदम और हवा के ज़माने की बात हो जब उन्होंने एक सेब का आंखें खुलने की वजह से लालच किया, और चाहे काहिन और हाबिल की बात हो जिसके अंदर उन्होंने एक दूसरे का कत्ल कर दिया एक। सो अगर हम बात करें ग्रीक एम्पायर की, जो कि आप देख रहे हैं ऑरेंज के अंदर कितना पड़ा था, लेकिन फिर भी उनमें लालच था कि आगे और बढ़ें। और इसी तरह से रोमन एम्पायर की, जो कि रेड में है और वो इतना बड़ा था, लेकिन फिर भी उन्हें था कि हम आगे बढ़ें। और इसी तरह से ये ऑटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया, और इनके अंदर भी लालच था कि आगे इसे बनाया जाए। और इसी तरह से मंगोल, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर कि कितना बड़ा था, लेकिन फिर भी लालच। और इसी तरह से लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्रिटिश एम्पायर, जो कि आज भी है लेकिन इतना बड़ा था, लेकिन लालच। लालच इसी तरह से हमारी आंखें और हमारे मुंह खोल देता है, जब जिस तरह से हम पैसे को देखते हैं, और इसी तरह से हम जलील भी होते हैं, रुसवा भी होते हैं। और इसी पैसे के लालच के अंदर हम कुछ ऐसे भी फैसले कर लेते हैं जिनके बाद हमें पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। और इसी तरह से अगर हम देखें आज के दौर की, तो जेवियर ये कट करो यार, ये सेंसर में जाएगा। हाँ शाबाश, कोई और लगा दो, इमरान की लगाओ। हाँ ये वाली ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे ये आज के दौर की, जिसके अंदर पैसा ही सबका खुदा है। और इसी तरह से कुछ मूवीज़ भी आई जिसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे कि तम्बाड मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा। सो बात करते हैं टू द पॉइंट। पॉइंट की बात यह है कि वजह क्या बनी, और वजह यह है कि हमने स्वीडन जाने से पहले ये वीडियो नहीं देखी। और अगर आप इस वीडियो में देखें तो ये आदमी हमें ये बता रहा है कि किस तरह से बॉल को स्वाइप करते वक्त बॉल एक ही कप के नीचे होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, और जो स्वाइप करने वाला है वो उसे आसानी से गायब कर देता है। जैसे कि सो उस दिन हुआ कुछ यूँ कि हम स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर रॉयल पैलेस देखने के लिए गए, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। और जब आपके इर्द गिर्द इतना सारा हुसन हो तो आप अपना ध्यान खो ही बैठते हैं। सो बेसिकली हम उसके अंदर मशगूल थे, और हमें पता ही ना चला कि हम इधर उधर लोगों को देखते देखते कब अपना होश खो बैठे। सो बेसिकली इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत जगह थी। और ये रॉयल पैलेस एक बहुत कदीम इनका पुराना महल था, जिसके इर्द गिर्द बहुत ही आज के और पुराने मॉन्यूमेंट्स मौजूद थे, जो कि एक बड़ा दिलफरेब मंजर पेश करते हैं। तो जनाब, यहाँ बिल्कुल सेम इसी जगह पर जहाँ पर हम खड़े हुए थे, हम उस टाइम उसे शूट नहीं कर पाए, लेकिन उस बंदे ने हमारे साथ शफलिंग गेम खेली। लेकिन मसला आ जाके उसकी शफलिंग गेम करनी है, मसला यह है कि इंसान हमेशा पैसे के पीछे ही भागता है, लेकिन अगर अपने पास से कुछ सबक सीख लिया जाए तो वो सबसे बेहतर। क्योंकि हम बड़े तो हो गए, मगर इतने भी बड़े नहीं हुए कि किसी किस्म के भी बड़े फ्रॉड से आराम से निकल जाएं। क्योंकि हमने ये सीखा कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, और अगर जब आप शॉर्टकट्स लेते हैं तो तब आपके सामने आती है ग्रीड, माने लालच। और जिस लालच के हाथों हमने अगले आने वाले 5 मिनटों के अंदर अपने खून पसीने की कमाई के 600 यूरो गवा दिए, लेकिन वो 600 यूरो गवा के हमने कुछ सीखा भी, तो अल्टीमेटली इट वाज अ गुड डील। खैर बात करते हैं गुड डील की, तो ये फिर से गलत पोस्टर लगा दिया भाई, ये क्या कर रहा। खैर सलमान दवा खाने से याद आया, हम विश करना चाहते हैं सरफराज को और पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए, लेकिन कोई भी इस तरह की हरकत ना करना, क्योंकि फिर बाद में हमारे लिए मसले क्रिएट होते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तानी टीम फॉर दिस वर्ल्ड कप, इट्स कमिंग। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।